वेलकम बैक टू माई चैनल। व्हाट्स अप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। नॉर्मली ये देखा जाता है कि आप अपने सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल्स की रैम को बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा कि हाउ टू क्लीन रैम मेमोरी ऑफ योर आईफोन। जी हाँ, आप अपने आईफोन की मेमोरी को कैसे क्लियर करेंगे, एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। मेरी इस स्टोरी को जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे आखिर तक देखिएगा। हमेशा की तरह मुझे कहते हैं मोहम्मद वकास मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं स्टोरी लीक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने आईफोन की रैम मेमोरी को कैसे क्लीन करना है। नॉर्मली सैमसंग स्मार्टफोन्स के मोबाइल में ये देखा जाता है कि आप जो भी वहाँ पे कोई एक्टिविटी ओपन करते हैं, लेटर ऑन अब आपको उसको पावर बटन को क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पेजेस हैं जो भी आपने ओपन किया हुआ है वो आपको नज़र आ जाएगा, फिर आप डिलीट ऑल कर सकते हैं। यह काम आईफोन में कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं अपने आईफोन के होम बटन को डबल टैप करता हूँ। डबल प्रेस किया तो इससे पहले मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ओपन की हैं वो सब आपको दिखाई दे रही हैं। मैं अगर चाहूँ तो इसको वन बाय वन यहाँ से टेप अप करके इस पेज को, जैसे सपोज करें ये मैं अपने कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया था, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको होल्ड ऑन करूँ और अबव की तरफ ले जाऊँ तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो बैक हिस्ट्री है ये इसी तरह यहाँ पर मौजूद रहे जबकि मेरी रैम है जो है आईफोन की वो क्लीन हो जाए। इस मकसद के लिए मैं आईफोन को डबल क्लिक करके ये आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओपन है। तो आइए अब आईफोन की इस रैम मेमोरी को हम क्लीन करते हैं। सबसे पहले राइट साइड पर आईफोन का जो पावर बटन है उसको 4 से 5 सेकंड प्रेस कीजिए। देखें जो आप प्रेस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आप अपने मोबाइल को अगर शट डाउन करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो कर लें, स्लाइड टू पावर ऑफ। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, नीचे जो आपके आईफोन का जो पावर बटन है आप उसको 5 से 6 सेकंड फिंगर रख के उसे प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे ये ऑप्शन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से डिसअपीयर हो गया और अब आपके आईफोन की जो रैम की मेमोरी है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई है। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखें जितने भी पेजेस मैंने ओपन किए हैं इनमें से कोई एक भी मैं ओपन करता हूँ वेब पेज तो ये देखेंगे आप कि ये दोबारा रीओपन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं क्रिएट शीट की ये एक लिंक ओपन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये दोबारा से ये सारी वेबसाइट का जो लिंक है ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने आईफोन की जो रैम की मेमोरी है उसे क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान तरीका है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि वो अगर उनके पास आईफोन है तो वो अपने आईफोन की रैम मेमोरी को कैसे क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड विद मी।